ये पूरा क्रैश गार्ड जो है, इसका जो स्लाइडर है वो टूट चुका है। तो देखते हैं, अगर ये फिक्स हो जाता है तो ठीक है, वरना नया डलवाना पड़ेगा। अभी चलते हैं मैकेनिक के। अभी एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी वजह से मेरा शॉकर बैठ गया और क्या बोलते हैं क्लच प्लेट चली गई है, और भी उसमें काफ़ी नुकसान आया, क्रैश हो गई थी बाइक, तो उसमें थोड़ा सा उसमें मरम्मत भी होनी है। हम भटक गए भाई, और हमारा फोन भी डेड हो गया, और हम भटक गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर लोग ही नहीं दिख रहे, रोड खाली दिख रहे, हम कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना कुछ आगे नहीं है। तो भाई अभी जा रहे हैं हम बाइक, छोटा सा एक ब्लॉग बना रहे हैं जिसमें आपको पूरा ले एक्सप्लोर करेंगे, मतलब मेन मेन चीज़ें, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो अभी तो मैंने हेलमेट लगा रखा है, यहाँ पर कंपलसरी है भाई हेलमेट का, देख लो, देख ही सकते हो आप। तो हेलमेट मैंने अभी पुराने वाला उठा रखा, अपना सासुरी सागर भाई का उठा रखा। तो अभी हम चलते हैं, लोकेशन काफ़ी अच्छी है, हम स्टे कर रहे थे और मज़ा आ रहा है रुक के। अभी आपको बाइक की कंडीशन दिखाता हूँ, कैब कंडीशन है भाई इसकी, उसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ का। देख लो भाई, वेदर काफ़ी अच्छा है और रोड भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं एक सर्विस सेंटर, क्योंकि मेरी बाइक का अभी थोड़ा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका क्रैश गार्ड वगैरह और उसका कूलेंट वगैरह लीक हो गया है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, और शॉकर भी डैमेज है। हाँ, उसका शॉकर भी यहाँ पर मैं सर्विस सेंटर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं, लोकेशन तो यही दिखा रहा है, बट आई थिंक सर्विस सेंटर आज क्लोज है। और ये बाइक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रफ चल रही है, और ना इसको चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा इस टाइम, और उसका कूलेंट भी लीक हो रहा है, वो भी ठीक कराना है मुझे। काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है, पूरे रास्ते एकदम बढ़िया चली है बाइक, आपने भी देखा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हुई, सिटी में आके एक्सीडेंट हो गया। Thank you.
गाइस अभी ना हमने ड्यूक जो 250 हमारे पास है इसका कलर प्लेट शॉप कर गया और एक्सीडेंट हुआ था सुबह तो उसकी वजह से बहुत कुछ खराबियाँ आ गई और अपने भाई साथ में चल रहे हैं इनके बुरे हाल और के भी इनका खर्चा बहुत ज़्यादा आ गया भाई बताओ कितना का जो खर्चा आ रहा है मजा आ रहा है राइड पे राइड ज्यादा खर्चे पे लग गया भाई खर्चे की दिक्कत नहीं है बात ये है कि बाइक ठीक हो जाए और मेरी जर्नी कंप्लीट हो सक्सेसफुली एंड हो जाए हाँ। अभी बाइक का है ना जो उसका खर्चा टोटल आ गया है 5000 का आज के दिन एक्सीडेंट के लेकर सब मिला के और अभी हमने भाई कलच प्लेटे जा चुकी है सॉकर का भी पूरा डेड हो चुका है सॉकर ने बड़ा लाना ही पड़ेगा कुछ टाइम बाद देखते क्या बात बनती है तो गाइस अभी खड़े रखे हम एटीएम मशीन के बाहर और भाई का भाई टोटल बजट 5000 का बैठ गया आज 5000 सुबह मॉर्निंग में एक्सीडेंट हुआ उसका खर्चा लगा गया इंजन क्लच प्लेट गई इंजन ऑयल चेंज करा रहे सर्विस करा रहे मतलब क्योंकि इंजन क्लच प्लेट चेंज हो गई तो डेफिनेटली सर्विस तो होगी आपको पता ही है दूसरा भाई अभी जो बाइक है ना उसके एक सॉकर भी जा पूरा सॉकर चला गया 8000 का सॉकर है KTM का ओरिजिनल और वो तो हम ला नहीं रहे उसे सेटिंग करा रहे उसके ताकि टाइट हो जाए रास्ता कंप्लीट कर ले और तो मैं बाइक का रिएक्शन दिखाता हूँ क्या रहता है उनका क्योंकि भाई वाट लग गई मेरी ऑलरेडी मेरी बाइक भी एक्सीडेंट हुई थी उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो भाई सामने आदित्य भाई खड़े रखे और इनके भी बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है जैसे मैंने बताया इनके पास जो बजट था ना भाई पहले बता दो 50,000 का बजट था और ये पूरा कार लद्दाख वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं अब इनके पास जो बजट है ना वो बाइक की वजह से पूरा गड़बड़ा चुका है तो भाई कुछ कहना चाहोगे इसमें आगे वापस जा रहे हैं ये रोड वापस नहीं जा रहा है आगे बंद है तो हमें आगे से घूम के जाना पड़ेगा अब ये हमें डर लग रहा है कि आगे से पता नहीं कहाँ चला जाएगा तो हम ट्राई कर रहे हैं फिर भी तो ट्राई करके देखते हैं होटल का रास्ता भी नहीं पता फोन बंद है और कुछ समझ नहीं आ रहा अब हिडन ट्रायल मार रहे हैं हम लोग कब कहीं से रास्ता निकला है और हम लोग अपने रूम पर पहुंच जाएं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई हमारा जो बाइक थी ना इसका काम हो गया हमारा ये जो हमारा प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी ठीक हो गई है अब हम कहीं भी जा सकते हैं कल तक बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही है यहाँ से तो आगे रोड बंद आ रहा है हमें वापस ही जाना पड़ेगा आर्मी का वो है बेस कैंप है तो यहाँ तो कोई रोड है नहीं हमें वापस ही जाना पड़ेगा समझ नहीं आ रहा कुछ भी आज ही सारे कारनामे होने हैं आज सारा एडवेंचर आज हो गया है चार दिन से मेरी प्रॉब्लम आ रही कभी मेरी बाइक खराब हो रही कभी सागर की आज भाई की फटका लगा बहुत तगड़ा आज का जो फटका है ना बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा याद करेंगे भाई लाइफ टाइम या है ना भाई जी हाँ यार इसमें मैंने पूरा ट्रैवल कर दिया अच्छी खासी बाइक चला दी सब बढ़िया हो गया ले में आते ही पहला एक्सीडेंट हो गया दूसरा मेरी क्लच प्लेट चली गई शॉकर डाउन हो गया मेरे क्रैश गार्ड में मेरे प्रॉब्लम आई तो वो सब तो मैंने ठीक करा दिया एक बार शांति स्तूपा देखो सो गाइस फाइनली हम लोग मार्केट में पहुंच गए हैं पीछे आप देख सकते हो पीछे मार्केट निकल गया है अब बस हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं होटल का रास्ता पता चल गया है क्योंकि मार्केट से कहां जाना था कहां नहीं जाना था वो अब आइडिया लग गया है तो हम सीधा होटल जाकर ही रुकेंगे और काफी मुश्किल था भाई यहां पर सफर करना
बाइकर बाइकर हैकर्स का काफी काफी मुश्किल था भाई ये रूट ढूंढना। चलो चलते हैं, बैटरी की बैटरी गई, बैटरी बैटरी बाय 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 बाय, मिलते हैं घूम में। इस रोड ट्रिप के भाई हम सारे भाइयों की ये लास्ट नाइट है और खाना खा रहे साथ में, और यहाँ पर सागर भाई, रंजीत बाबा, आदित्य भाई, सबसे ज्यादा बुरा लगेगा आकाश भाई के लिए। भाई सीरियसली भाई आंखों से आंसू आने लगे आकाश भाई के, और भाई कह रहे यार तुम जा रहे हो तो अच्छा नहीं लग रहा, बट क्या करें यार रोड ट्रिप ऐसी है, जाना पड़ता है, हर किसी को मिलते रहेंगे रास्ते में, रोड तो बस चलते चलते एक ना एक दिन मिलेंगे, है ना आकाश भाई? हाँ बिल्कुल। तो आज का खाना बस साथ में खा रहे थे, इमोशनल थोड़ा इमोशनल सीन हो गया, और सीन ही हो गया ना भाई, हमने ऐसे ही मिले थे, मतलब जैसे फ्रेंड होते ना, जैसे रास्ते मिले, बाइक की एक्टिवा देख के हम खुश हो गए भाई, वेस्ट बंगाल से आए थे, हमने पूछा, काफ़ी नाइस पर्सन थे, बात की टाइम टू टाइम, फाइव डे हो गया मेरे साथ में, फाइव डे रहते रहते मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर आज मतलब लास्ट नाइट है, और साइड में अपने आदित्य भैया, ये भी हमें रास्ते में मिले, ऐसी ये भी मिले, तो इनकी बाइक देख के हमारा माउंट निकला था उस टाइम, है ना, माउंट निकला एकदम से, हमने रुके तो हमने पूछ लिया भाई दिल्ली से कहाँ से हो, तो भाई ने बताया था कहाँ से था अपना, पटेल नगर से। तो ऐसे करते करते हम साथ में राइड मारते, बताया पांच राइड हो गए, तीन निकले थे दो रास्ते में, और आज करते थे सिंगल, ये तो सोलो राइड थे दोनों भाई, बट साथ में हमारे साथ इन्होंने ग्रुप राइड स्टार्ट कर दी थी। यार आज सीरियसली कह रहा हूँ, थोड़ा बुरा सा लग रहा है इस वीडियो बनाने का, मोटिव नहीं था बट बना रहा हूँ, मिलते हैं सर, टेक केयर, बाय बाय।